जब तक अज्ञान है तब तक हमारे जन्म में दुष्ट है। अज्ञान नाश हो जाने पर तब फिर इसको पैदा कौन कर सकता है, इसके पीछे भी कोई कारण ही नहीं था, पैदा के लिए भी कोई कारण नहीं है। एवं इस प्रकार से तीन नंबर टिप्पणी में मतलब संस्कृति अपवाद व संस्कृति का अपवाद के समान है क्या क्या तथा संस्कृति अपवाद अद्वैत अक्षर इस प्रकार संभूति का मतलब सृष्टि की अपवाद कर देने पर हमारा अद्वैत सिद्धांत में कोई हानि नहीं पहुँचता। तदवा जीव जनहित के कारण अपवाद सृष्टि जीव को उत्पन्न करने वाला कोई कारण ही नहीं है, जीव को उत्पन्न करने वाला कोई कारण ही नहीं है, इसको निषेध कर देने पर अद्वैत सिद्धांत में कोई क्षति नहीं, तब उसको अहंकार हो जाता है। तदवा जीव जनहित के कारण अपवाद है ना हमारे सामने आया अज्ञान के कारण स्वरूप की ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं अपने को मनुष्य मान लिया, इसलिए अविद्या नाश हो जिस समय आपका अविद्या का नाश हो जाएगा। ध्यान करना सृष्टि का मतलब सृष्टि नहीं रहेगा जब तक हम जाएगा अज्ञान नाश हो जाएगा, जब तक अज्ञान है तब तक हमारे सामने प्रतीति होगा। अब ज्ञान होने का बाद भी प्रारब्ध निमित्त रूप किया है उसके लिए भी कुछ देर तक प्रतीति रहती है, इस प्रकार की पंखा की सुई बंद कर देने पर भी कुछ देर तक वो गतिकरण घूमते रहते हैं, उसी से दूसरे गतिकरण व्यवहार करते हैं। एवं माया निर्मितस्य एव जीवस्य अविद्या प्रत्युपस्थापितस्य अविद्या नाश अविद्या का स्वभाव रूपत्वात् चार नंबर टिप्पणी शुद्ध चित्त मात्र स्वरूपत्वात् मतलब शुद्ध चेतन मात्र स्वरूप होने के कारण परमार्थ तो पारमार्थिक दृष्टि से उपाधि से भी जन्म की देते हैं परंतु पारमार्थिक शुद्ध चित्त मात्र पूर्ण जनए। एक बार आपको अधिष्ठान रूपी लज्जु का ज्ञान हो जाए फिर उसके ऊपर सर्प को कौन पैदा कर सकता है, कैसे पैदा होगा उसी जगह उसी लज्जु को पर वहाँ संभव नहीं, उसको यहाँ पे कारण आपको निषेध करता है, कोई उसको पैदा नहीं कर सकता ना उससे कुछ पैदा हो नहीं। रज्ज्वाम अविद्या आरोपितम सर्पम पुनः विवेक तो नष्ट जनयित कश्य अंदर करने के लिए क्योंकि रज्ज्वाम अविद्या आरोपितम सर्पम और अज्ञान से रज्जु के ऊपर आरोपित सर्प को विवेक तो सर्प क्या हो गया विवेक का नष्ट विवेक पूर्वक अधिष्ठान तत्व के ज्ञान होने पर सर्प नाश हो गया। कह पुनर्जनयत कश्चित पुनः कथम जनयत कोई व्यक्ति न जनयत मतलब कैसे नहीं जान सकते न जनयत तो न का भी यहाँ पे आएगा न पुनर्जनयत कश्चित उसको दोबारा कोई उत्पन्न नहीं कर सकता न पुनर्जनयत कश्चित कोई भी व्यक्ति उसको फिर उत्पन्न नहीं कर सकता। तो अपने उत्पन्न क्योंकि लज्जा अविद्या आरोपित सर्प विवेक नष्ट ही सती मतलब विवेक नष्ट सर पुनर्श्चित पुनर् न जनहे है ना कश्चित पुनः न जगह दोबारा कोई उसको उत्पन्न नहीं कर सकता। रज्जु में अविद्या से आरोपित जो सर्प है विवेक पूर्वक नाश हो गया हमारा दृष्टि खराब हो गया रज्जु ने नहीं विवेक पूर्वक जब नाश हो जाता है उसको फिर कौन उत्पन्न कर सकता है कौन उत्पन्न कर सकता है तथा न कश्चित एनम जनहे मतलब अभिप्रेत अभिप्रेत करते हैं इसको कोई उत्पन्न नहीं कर सकता पारमार्थिक ज्ञान होने पर विशिष्ट नामक वस्तु होता ही नहीं है यदि आक्षेप कौन कर सकते इस प्रकार आक्षेप कर कारण प्रतिषिधते इसके द्वारा इस जगत की कारण था और उसके पीछे कोई कारण दोनों को निषेध किया जाता है। अविद्या उद्भूत नष्ट जनयित्री कारण न किंचित अस्ति अविद्या के द्वारा उत्पन्न हुआ था जो सर्प उस सर्प को विवेक पूर्वक नाश हो जाने पर उसको पैदा करने वाला भी कारण भी नहीं हो सकता उसको पैदावार करने वाला कारण कुछ हो सकता है। अविद्या उद्भूत अविद्या से उत्पन्न हुआ था जो वस्तु कभी कोई वस्तु सर्प हो फिर कुछ माला दंड अथवा मरुभूमि में पानी पुरुष में सर मतलब कुछ स्थानों में पुरुष अथवा शक्ति का मेरा शुक्ति का मेरा जल ये सब कुछ भी आपको जो है जब विवेकपूर्वक नाश हो जाता है जो अज्ञान कारण दिखाई दे रहा था विवेकपूर्वक नाश हो जाने पर अविद्या भूतस्य नष्टस्य
जनित कारण न किंचित अस्ति, उसको उत्पन्न करके कुछ भी कारण नहीं है, न किंचित अस्ति इति अभिप्राय है, इसके अभिप्राय है। आत्मा किसी कारण से उत्पन्न हुआ, न आत्मा से अपने कारण नंबर 1218 नहु इस प्रकार से भाष्य को सामान्य से समझा जाए। टीका का देखिए इसका अंदर कैसे कैसे रह गई है समझे क्या अभिप्राय। इसका टीका 165 पेज माना पड़ेगा। हमने यहाँ तक पढ़ी थी मतलब कारण प्रतिषेध न तद अवस्तु सिद्धिश्च यथोच्च अर्थ सिद्धि। कारण का निषेध कर दे के कारण मतलब आत्मा में कोई कारण का नहीं हो सकता, इसलिए निषेध कर दे के कारण उस आत्मा के ऊपर जो भी कोई वस्तु दिखाई देता है वो पारमार्थिक नहीं है, ये सिद्ध हो जाता है मतलब अद्वैत पारमार्थिक सिद्ध हो जाता है। पूर्व आप बोलते पूर्वार्थम क्या करती है ना श्लोक के पूर्वार्थ क्या है वो व्यक्ति अंधेरा में जाता है कौन जो संभूति का उपासना करते हैं क्या होता है वहाँ के सामान्य ये है संभूति और असंभूति से एक हो गया वहाँ के हमारा अव्याकृत मायावृत क्षेत्र और जो है हिरण्यगर्भ हैं मायावृत वहाँ पे जो अंतम तम प्रविशांति जो असंभूति उपासना की मायावृत क्षेत्र की उपासना करते हैं वो तो अंधेरा में जाता है और उससे भी घोर अंधेरा में जाता है जो संभूति की उपासना करते हैं हिरण्यगर्भ की उपासना। ईश्वर उपासना करने वाले को उनकी ये जो प्रकृति में लय प्राप्त करने वाले प्रकृति को संयम करते हैं ना प्रकृति में लय प्राप्त करने वाले लोग को लंबा समय तक सुषुप्ति अवस्था में जैसे रहना पड़ता हो गया है ना भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लयाना जो शुद्ध दर्शन है मतलब जो लोग ये प्रकृति के ऊपर संयम प्रकृति के ऊपर संयम करना धारणा ध्यान समाधि करते हैं फिर उस अवस्था में शरीर छूट जाता है तो उसको भी दोबारा उत्पत्ति होती है। क्या लय चिंता उनको इस प्रकार समझते तो लंबा समय तक सुशुद्धि जैसा बना रहे परंतु वो तो फिर भी नया कुछ काम नहीं हो रहा है। हिरण्यगर्भ को लोक में जाने से और घोर अंधेरे में जाता है क्योंकि वहाँ से हो सकते भोग की तरह फिर जलाई पर दोबारा भोग संस्कार करते हो गए इसीलिए वो और घोर अंधेरा और घोर अंधेरा ऐसा ऐसा सोचने से यहाँ पे बोलते हैं संपूर्ण की उपासना है उपासनाया मंत्रार्थेन आद्येन निंदां विधाय संभूति उपासना कर उपनिषद में आया है जो मंत्र उस मंत्र के आधा भाग के द्वारा मंत्रार्थेन आद्येन है ना पहला वहाँ पे तो संभूति उपासना पहले आया विद्या विद्या बाद में आया माध्यम इसलिए आद्येन मंत्रार्थेन निंदां विधाय उसको निंदा करके ततो भूय इव इत्यादि न उससे भी और घोर अंधेरे में जाता है। इस प्रकार वाक्य के द्वारा उत्तरार्थे न संभूति उक्ताया देवताया हे तमो वर्तते ठीक है ना संभूति के माध्यम से संभूति मतलब समस्त देवताओं के समष्टि हो उस समष्टि रूप देवताओं का जो निंदा कर देगा तब यह इसको मतलब इस हे मतलब ये उपासना करने योग्य तो है ये बात नहीं है मुक्ति की दृष्टि से ये इन देवता आपको छोटे छोटे देवता को मुक्ति नहीं दे सकते आप जानते देव प्रता देवान पितृ जानते पितृ प्रता भूतानि जानते भूतेच्छ भक्त जानते नाम
ठीक है। तो ये हुए जो जैसा जैसा उपासना करते हैं तत्व को यदि मुक्ति नहीं मिल सकती, तो भगवत भक्त का क्या होता है, वो उस अभिष्ट फल को भी प्राप्त करते हैं, भगवान को भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वहाँ से क्रम से मुक्ति हो जाता है। इसलिए हम आनंद के लिए बोल रहे हैं तत्व भूय इव, तत्व भूय इव के तम इत्यादि ना उत्तरार्थ है ना, उसके उत्तरार्थ के द्वारा संभूति को काया देवताया, संभूति के माध्यम से जो देवताओं को कहा गया था, मतलब संभूति है संभूति का जो उगताया देवताया जो देवता लोग हैं मात्र है, हे उत्तम उपवाद करते तीन नंबर की प्रेम अनुपस्तम है ना, ये अग्नि अनुपस्त है कि देखो भाई परम और उपासना चाहिए तब से जिंदगी भर इसमें नहीं लगा है, यही हे उत्तम आपको जो है इसीलिए कर्म और उपासना मैं क्यों कर रहा हूँ इसको आपको मन में जगह पे रखना है, और जिसलिए मैं कर रहा हूँ उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ना तो नहीं कर रहा हूँ, जैसे वहाँ तक पहुँचे फिर कर्म उपासना छोड़ देते जिंदगी भर कर्म उपासना में लगे रहेंगे नहीं है, इसीलिए आपके प्रत्येक मतलब अनुपाश्यम उसको उपास्य नहीं है कि वहाँ पर कहना चाहती है सभी तदश्च प्रधान भूत देवता प्रधान भूत देवता उपास्यत्व अपवादा, ठीक है ना, इसका जो प्रधान मल्ल निवर्धन न्याय बोला था भगवान बच्चा इसलिए समस्त देवताओं को जो प्रधान रूप है हिरण्यगर्भ, समस्त देव देवताओं को जो मुख्य रूप है हिरण्यगर्भ, उस देवता की उपासना का भी चिंता कर दिया गया, तो बाकी छोटे मोटे देवता का तो कहना ही कहता दसरा इसके फलस्वरूप प्रधान भूत देवता उपास्यत्व अपवादक प्रधान रूप जो देवता है उस देवता में उपास्यत्व धर्म का निषेध कर देने के कारण उस देवता में उपास्यत्व धर्म का मतलब अपवाद कर देने के कारण निषेध का तब तो अर्वात्तम उससे नीचे मतलब उसी से निकला जो छोटे मोटे देवता है सर्व एक संभव शब्दित जिसको संभव शब्द के द्वारा का संभव शब्द के द्वारा कहा गया कार्य मात्र भी कार्य रूप है किसी करते उसमें भी उपासना को निषेध किया जाता है। ध्यान रखना जीवन के शुरू में जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक देवी देवता को आश्रय करके उपासना कर सकते हैं, परंतु धीरे धीरे वहाँ से मन को उठाना पड़ता है तब तो उसमें अपनी तो परेशानी क्या हो जाती है उस प्रकार की उपासना से छोटे मोटे सिद्धियाँ मिल जाएगा, तो हमको लगेगा कि तो जीवन की सफलता है, इसलिए बचने के लिए बोलते हैं कि अजंतर उपासना से ना अनिमा गरिमा लोहरी मानुषी चिंता मिल जाती है, परंतु क्या होता है उसमें फंस जाते इसलिए वो और घोर अंधेरा है जैसा अवस्तु शुद्ध पारमार्थिक नहीं है कि सिद्ध हो जाए पारमार्थिक भोगियों का भी निषेध नहीं करता तथा अच्छा इस प्रकार संभूति मतलब हिरण्यगर्भ अगर संबंधित उससे निकले हुए सारे देवताओं के या तो सूर्य के द्वारा उपासना को भी निषेध कर देने का फल स्वरूप तथा अच्छा तद मतलब तेषा अवस्तु तो सिद्धि हेतु देवताओं में पारमार्थिक पता नहीं है ये सिद्ध होना संभूति अपवाद अभी तस्मिन मिथ्यत्व नियम अभाव यहाँ भी ध्यान देना इसको निषेध कर दिया श्रुति नहीं किए नहीं है इसलिए वो मिथ्या हुआ एक आप कैसे कह सकते हैं जहाँ जहाँ निषिद्धत्व वहाँ वहाँ मिथ्यत्व व्यक्ति तो कहाँ दिखाई दिया क्या बोला वहाँ वहाँ मिथ्यत्व ये व्यक्ति कहाँ दिखाई दिया आप ठीक है निषेध किया श्रुति इसका मतलब मिथ्या ये कैसे आपको पता लगा ये कैसे निश्चय कर सकते बिल्कुल कड़ी जगह पर प्रश्न उठाए सारा प्रश्न हमारे मन में है अपवाद अभी तस्वीर मिथ्यत्व नियम अभवान मानो मिथ्या हो जाए ऐसा तो नियम नहीं है न कार्य मात्र से मिथ्यत्व सत्यम प्रतिज्ञा तो संपूर्ण कार्य जगत मिथ्या ऐसा तो प्रतिज्ञा मात्र से सिद्ध नहीं होता है ये तो प्रतिज्ञा नहीं कर सकते यदि आशंका तो शंका करते हैं इसलिए हम लोग शंका को शामिल करके तो उत्तर देते हैं नहीं परमार्थ तो संभूतायाम संभूत होता तो अपमान होता है ये पारमार्थिक सृष्टि हुई होती ना ये यदि पारमार्थिक वस्तु हुई होती तब इसका निषेध अपवाद नहीं करते ये पारमार्थिक नहीं है तभी इसका अपवाद किया जाता ये
जिंदगी आगे पांच नंबर संकुति अपवाद या तस्वीर मिथ्यात्व नियम संकुति का निषेध हो जाने पर विपक्ष मिथ्यात्व नहीं कहते श्रुति। अब मिथ्यात्व का जो निश्चय कर दो और जहाँ जहाँ निषिद्धत्व है वहाँ वहाँ मिथ्यात्व है, जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ बनती है, तो यही व्याप्ति आपको मैंने दिखाई दिया क्या? तो आर्थिक अर्थ से निकाला आर्थिक अर्थ से। यदि ये पारमार्थिक सृष्टि हुई होती तो इन देवताओं की उपासना को निषेध नहीं करती श्रुति। देवता लोग ये बात पारमार्थिक हुई होते तो श्रुति इसको उपासना का निषेध नहीं करती। ये अभिप्राय था पाँच नंबर टिप्पण संभूते अपवाद अभी अपवाद मतलब निषेध, ठीक है ना, इसको निषेध किया। निषिद्धत्व च न मिथ्यत्व व्याप्यम इस पंक्ति को बोलिए, निषिद्धत्व च न मिथ्यत्व व्याप्य। जैसे बंदी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, क्या मतलब हुआ इसका? बंदी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, नहीं आपको मैंने ये नहीं शब्द ही आप जब हमने बोला बन्ही व्याप्य तत्र तत्र धूम्र तत्र तत्र बन्ही, ये है ना, तो बन्ही हो गया व्यापक, धुआं हो गया व्याप्य। इसलिए बन्ही का व्याप्य जो धुआं है, बन्ही में एक व्यापक हो गया बन्ही और व्याप्य हो गया धुआं, तो बन्ही व्याप्य मतलब बन्ही का व्याप्य जो धुआं है उस धुआं के द्वारा पर्वत घेरा हुआ है, ऐसा बोलते हैं। किसी प्रकार यहाँ शब्द को मिथ्यात्व व्याप्यम मतलब मिथ्यात्व का व्याप्य जो निषिद्धत्व है, ठीक है ना, जैसे बन्नी का व्याप्य धुआं, आपका जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ बन्नी, यानी क्या हो जाएगा बन्नी व्याप्य व्याप्य व्यापक बन्नी व्याप्य धूम पान अयम पर्वत। ठीक इसी प्रकार मिथ्यात्व व्याप्य निषिद्धत्व अयम श्रुति धूमवान अयम पर्वत, वन्नी का व्याप्त जो धुआं है उस धुआं से घेरा हुआ है ये पहाड़। वन्नी का व्याप्त उनके टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल टर्म जिन दोनों में सहजन के लिए हमें व्याप्ति जो तो हमेशा साथ साथ रहे उसको व्याप्ति बोलते हैं। व्याप्ति को दिखाने के लिए एक को बोलते हैं व्याप्य, एक को बोलते हैं व्यापक, जिसके कारण से जो होता है उसको व्यापक कहते हैं, जो दिखाई पड़ता व्याप्त होता है। वन्नी व्याप्य वन्नी का व्याप्य, क्योंकि वन्नी व्यापक है मतलब व्यापक वन्नी का जो व्याप्य है वो धुआं के द्वारा ये पार गिरा हुआ है, तो उस संख्या से धुआं दिखाई देने के कारण यहाँ पे अग्नि होना चाहिए निष्काम सुना है। ठीक इसी प्रकार मिथ्यात्व व्याप्य निषिद्धत्व एवं श्रुति, ठीक है ना, इसे क्या सिद्ध होता है, इसीलिए ये मिथ्या है। मिथ्यात्व की व्याप्त जो निषिद्धत्व वहाँ पे बैठा हुआ श्रुति में, इसलिए ये मिथ्या ये वस्तु मिथ्या है, ठीक है ना। व्याप्त व्यापक ढंग से बस इतना छोटा शब्द बोला परंतु थोड़ा अनुमान भाव का थोड़ा सा सिद्धांत अनुमान से काम हो जाएगा। अनिषिद्ध पूर्व वाले बोलते हैं व्याप को तो निषिद्ध नहीं किया, व्याप्य अनिषिद्ध मिथ्यात्व अनियम शादी रे आकुतम, इसलिए जेन व्याप्य अनिषिद्ध व्यापकों का निषेध कर देने पर व्यापक का भी निषेध हो जाता है, तो व्यापकों का जब निषेध नहीं किया तो व्यापक का निषेध कैसे होगा? तो हमारा उद्देश्य ये होता है ये न व्यापक अनिषिद्ध मिथ्यात्व अनियम, इसलिए वहाँ पे मिथ्यात्व का नियम नहीं हो सकता। यदि प्रश्न करने वाले का मन में ये बैठा हुआ है तो उसको उत्तर है बोलता है नहीं परमार्थ तो संभूत, यदि पारमार्थिक वहाँ पे सृष्टि हुई होती तो सृष्टि उसको उपासना का निषेध नहीं करते, उसकी उपासना का निंदा नहीं करते। संभूत होता तो अपवाद न बदलते, संभूति को उपासना का निंदा युक्त संघर्ष नहीं होता, नहीं करके बोलने हैं। ये हो गया संभूति निंदा तब अवस्तुत्व ख्यापनार्थ न बदलते, तो पूरे वाली बोले संभूति निंदा तब अवस्तुत्व ख्यापनार्थ न बदलती। अब अरे आपने पूरा उपनिषद ठीक से पढ़ाई नहीं, क्यों वहाँ पे संभूति का निंदा करने के बाद फिर उसका विनाश के साथ समुच्चय किया गया है। संभूति उपजा विनाश समय दस्तवे तो उभय उत्साह विनाश न मृत्यु संभूत का उत्तम स्मृत ऐसा वहाँ गया हुआ है,
तो आपने कैसे बोल रहे हो समूति का निंदा करो, मिथ्या को शुद्ध करो, तो समुच्चय करने के लिए बोल रहे हैं, वहां मिला करके करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये प्रसूति का अभिप्राय तो उसके बोलते हैं संभूति निंदा तत् अवस्तुत्व ज्ञापनार्था न भवती, संभूति की निंदा उसकी मिथ्यात्व अवस्तुत्व में मिथ्यात्व को ज्ञापन करने के लिए नहीं होता, तो दृष्टि होता है जी। किंतु विनाशेन मतलब कर्मणा कर्मणा देवता उपासना समुच्चय विधि अर्था, ठीक है ना, वो निंदा किंतु इसलिए है वो, परंतु वो विनाश के साथ उसका समुच्चय करने का, विनाश मतलब कर्मणा देवता उपासना कर्म के साथ देवता उपासना का समुच्चय को विधान करने के लिए समुच्चय विधि अर्था, ठीक है, इसलिए वहाँ पे उसका निंदा नहीं है, उसका मिथ्यात्व तो ज्ञापन नहीं करता, वो तो समुच्चय विधान करने के लिए करता है। इस विषय में भी हमारा कोई आपत्ति नहीं है, सबसे ज़्यादा देखो तो उसके साथ समुच्चय करके उसका उसका इज्जत को बढ़ाया गया कि घटाया गया, उसका इज्जत को बढ़ाया गया कि घटाया गया, ये चीज वहाँ पे बोलते हैं। अपवाद से समुच्चय विधि समुच्चय विधान से प्रवर्तित संकते, और इस प्रकार समुच्चय फलशाली है, वहाँ पे क्या कहा, विनाशेन मृत्यु तीर्थ संभुत अमृतमस्मि को अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, इसका समुच्चय फलशाली है, इसलिए मिथ्या नहीं है, अथवा इसमें आप मिथ्यात्व का बोधक नहीं है ये, ठीक है। संभूति निंदा पूर्वादि बोल रही है, संभूति निंदा तद अवस्तुत्व ज्ञापनार्थ न भवति, संभूति की निंदा और संभूति में हिरण्यगर्भ में अवस्तुत्व पारमार्थिकता नहीं है, इसकी बोध कराने के लिए इसको प्रकाश करने के लिए नहीं होता। किंतु विनाशेन, किंतु क्या करना चाहते हैं, विनाश के साथ विनाशेन मतलब कर्मणा सह देवता उपासना से कर्म के साथ देवता उपासना का समुच्चय विधान का समुच्चय विधान करने के लिए, क्योंकि समुच्चय से क्या लाभ होगा, समुच्चय विधान से फलवत्ता, इस प्रकार समुच्चय विधान का फलशाली ऐसा भी दिखाया, अलग करके भी दिखाया, अन्न देवाहु संभवात् अन्न दाहु असंभवात् इति सुष्टुम धीराणां योनस्तद् गजदक्षिणे, इस मंत्र को पहले पढ़ने से पहले बोला श्रुति वाक्य उद्धरण, इसे बात तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्रम से आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। समुच्चय विधानस्य फलवत्ता इति शंकते, पूर्ववत् होते ननु प्रभाष में विनाशेन संभूति समुच्चय विध्यर्थ संभूति अपवाद विनाशेन पूर्ववादी न विनाशेन मतलब कर्मणा संभूति मतलब संभूति का हिरण्य गर्भ का समुच्चय भी उपासना का समुच्चय विधान करने के लिए कर्म और उपासना की समुच्चय को विधान करने के लिए वहाँ पे संभूति का अपवाद किया गया है। विनाशेन संभूति समुच्चय विध्यर्थ संभूति अपवाद, तो उसके दृष्टांत मतलब ये दृष्टांत में घटा उसके पहले के लिए हमारा कांड शाखा में पहले विद्या विद्या मैं उसको मतलब यथा अंधम तम प्रविशन्ति जो अविद्या उपासते, यहाँ पे तीन मंत्र है, अंधम तम प्रविशन्ति जो अविद्या उपासते तथो पूज जीवते तम जायु विद्याया गुणता, फिर आया अन्न देव अहु संभवात अन्न अहु असंभवात इति सुश्रम धीरा नाम यो नस्तर विजय चक्षुरे, थर्ड मंत्र आया विद्याम च अविद्याम च दस्तर विद्य उभय पुंस अविद्या मृत्यु जीत्वा विद्या अमृत, तीन मंत्र क्रम से एक साथ पढ़ा जाता है वहाँ पे, इसलिए हमें बोलते हैं अंधम तम प्रविशन्ति जे अविद्या उपासते, वहाँ पे जैसा विद्या और अविद्या का समुच्चय करने के लिए कहा गया है, इसी प्रकार यहाँ भी संभूति और विनाश का समुच्चय करने के लिए विधान क्या वो फलशाली होता है, इसलिए ये मिथ्या ही आप नहीं कह सकते, पूर्ववादी ऐसा नहीं, ऐसा जब कहते हैं तब सिद्धांत क्या करते हैं उसको अंगीकार करते हैं, सब बिल्कुल सही बोले, विषय में कोई अभिधा नहीं है। अपवाद से समुच्चय विद्यार्थ दृष्टान्त हमारी, अपवाद जो है समुच्चय के विधान करने के लिए, तो दृष्टान्त मान लिया उसी श्रुति में विद्या विद्या का समुच्चय लिखा है, इसलिए बताया जाता है अंधम तम प्रविशन्ति जो अविद्या अत्र खलु अविद्या शब्दित कर्म अपवाद विद्या कर्मण समुच्चय विद्यार्थ, यहाँ पे मतलब उस मंत्र में जो अविद्या विद्या मंत्र में दो भाग है, एक है विद्या विद्या एक है संभूत असंभूत, विद्या विद्या को दृष्टांत बना दिया, अब तो खलु अविद्या शब्द कर्म अविद्या शब्द कर्म कर्म का निषेध कर देने पर क्यों किया, वहाँ पे केवल कर्म मत करो कर्म के साथ उपासना भी करो, विद्या कर्म समुच्चय विधान तो कर्म और उपासना को समुच्चय को विधान करने के लिए सिद्ध, जैसे वहाँ पे ये निर्णय किया गया है विद्याम च अविद्याम च दस्तक बिंदु उभयोंसा इति श्रवणम, यानी इस प्रकार वाक्य संख्या है दोनों को मिल करके करने के लिए शास्त्र को वहाँ पे अकेला कर्म करने का निषेध कर देता है, अकेला कर्म करने का निषेध कर देता है।
ये तो आपको समझ में आते हैं शास्त्र की इसको बोलोगेगा या उनको जो भी नहीं बोलते हैं कर्म जो भगवान की अर्पण करके अगर भगवत बुद्धि मन में नहीं रखते कर्म करे तो कर्म आसक्त हो गया कि कर्म हमारे बंधन की एक कर्म सफलता पूरा पूरा दूसरा कर्म भी जो है संकल्प उठा देता है इसलिए वो उसको जो है वो हमारे लिए बंधन का कारण हो जाता है विद्यम क्या विद्यम क्या जस्त श्रवणा की उत्तम चौद्यम अनुजानते इस शंका को अनुमोदन करते हैं इस शंका को हाँ ठीक बोला गलत नहीं बोलते इस प्रकार सूर्य बात तो है ना उत्तम चौद्यम जिस शंका को आपने उठाया उसका अनुजान देते उसको मतलब अनुज्ञा देते हैं मतलब अनुमोदन करते हैं सत्यम ठीक बोला प्लस फिर आगे बोलते हैं यदि ऐसे ऐसा आपने माना क्या माना हमने आपने कि हाँ आपने सही कहा वहाँ पर समुचय विधान करने के लिए दोनों का निंदा किया गया तभी संभूति अपवाद तब अवस्तुत्व ना भवति यदि आप जैसे आपने कहा था आपने सही कहा हाँ तब तो संभूति का अपवाद वो मिथ्या है इसको ख्यापन करने के लिए नहीं है पूर्ववाद बीच में ठीक है कि जैसे बोला सप्तम के वह जैसे सिद्धांत के पक्ष बोला ठीक है आपने सही कहा तुरंत पूर्ववाद ने क्या बोला हाँ तब तक हमारे कस्ती में आके यही तो हम कहना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं संभूति की अपवाद उसको मिथ्या तो ख्यापन करने के लिए नहीं है वो वहाँ पर समुच्चय करने के लिए है जैसे ही मिथ्या बोला हाँ तब उसका बोला कि अब तब हमारे कस्ती में आ गए तब यहाँ पे बोलते हैं कि सही सही संभूति अपवाद तब अवस्तुत्व इसलिए हमने जो शंका उठाया था वो तो यथार्थ सिद्ध हो गया आपका सिद्धांत उक्तम स्थितम हमने जो कहा था वो तो वैसे ही विद्यमान यदि आशंक इस प्रकार पूर्ववादी जब बोल देते हैं बीच में समुच्चय अविद्या अवस्थाया ये समुच्चय भी जब करते हैं ना ये अज्ञान अवस्था में भी करते हैं समुच्चय कोई विद्या ज्ञान विद्या अवस्था की स्थिति नहीं है समुच्चय विद्या अवस्था की स्थिति नहीं है समुच्चय अविद्या अवस्था की स्थिति है इसलिए बोलते हैं कि समुच्चय अविद्या अवस्थाया अवस्थित फलवत्ता वहाँ पे रहकर के वो फलशाही होने के कारण जब अवस्तुत्तम संभुत्व आदि जो संभुत्व आदि में अपरमर्थिका का जो कहा गया है निंदाधीनम जो उस निंदा के अधीन होकर के अवस्तुत्व निंदाधीनम मतलब यत्र यत्र निंदत्व तत्र तत्र मिथ्यत्व इस प्रकार से हमने वहाँ पे कहा था निषिद्धत्व मतलब ये जो कहा था तदवस्था में इसलिए वो सिद्धांत तो हमारा हम उस सिद्धांत से नहीं हट हुआ वो सिद्धांत तो वैसे ही बना हुआ है तदवस्था के वही भी मानवान ऐसा मन में रखकर कृष्ण आहत तो सिद्धांत के उत्तर देते हैं सप्तम एवं देवता शब्द से संभूति विषय विनाश शब्द वाच्य कर्म समुच्चय विधान संभूति अपवाद इसलिए आपने तथा ठीक है हम समझ में आया पूर्ववादी बीच में बोल पड़ा कहीं संभूति अपवाद संभूति का अपवाद उसके मिथ्यत्व का बोधक नहीं है क्योंकि उत्तम स्थिति में भी जब हमने शंका उठाया तो हमारी शंका तो सही हो गया मतलब हमारा सिद्धांत तो ठीक है आशंका ऐसे शंका उठा करके मैं पूर्ववादी कैसे भाव को मन में रख करके समुच्चय से ठीक है ना आशंका मतलब पूर्ववादी की भाव को मन में रख करके बात सकता बोलते हैं समुच्चय से अविद्या अवस्थाया अवस्थित बलवत ये जो समुच्चय के जो फल दिखाया जा रहा है ना ये अज्ञान दशम ये फल का कथन करें ज्ञान की फल नहीं है इसलिए बोलते हैं कि अविद्या अवस्थाया अवस्थित बलवत का उस अवस्था में रह करके फल जारी होने के कारण जब अवस्तुत्व संभूति आदि इसलिए संभूति आदि ने जो अवस्तुत्व हमने मतलब सिद्धांत बनाया है उसको जो है वो कैसे कैसे बनाया था निंदा अधि अधीनम मतलब उसका निंदा करने के कारण उसके अधीन होकर के जहाँ जहाँ निंदा वहाँ वहाँ निषिद्ध ये जो है निंदा अधि अधीनम उत्तम तद अवस्था में वो इसलिए हमारा जो सिद्धांत वो ऐसे ही बना रहा है उस सिद्धांत में कोई हानि नहीं पहुँचा ठेस नहीं पहुँचा ये वकृति मनवान में इस प्रकार मानने वाले प्रति मन में रखकर मनवान मतलब ऐसा मन में रखकर सन मनवान सन आह भगवान का शुक्र नब्बे आठ नंबर नौ नंबर टिप्पणी लिखेगा आठ नंबर टिप्पणी सात नंबर टिप्पणी तरी हाँ तरी तरी हाँ तरी अपवादस्य समुच्चय विधि अर्थत्व स्वीकार्य सति मतलब ठीक है ना
अपवाद जो है समुच्चय को विधान करने, जब इस आज को आपने स्वीकार कर लिया तब तो हमारा सिद्धांत तो सही हो गया। अपवाद से समुच्चय विधत्व स्वीकार, अपवाद जो है समुच्चय को विधान करने के लिए जब तुमने स्वीकार किया यानी कि तब तो हमारा शंक सही है। समुच्चय करना मतलब उस साधन को अवलंबन करके चलना और उस साधन के अनुसार साध्य फल को प्राप्त करना, ये सब है अविद्या तत्व का अविद्या अविद्या संबंध रखने वाले। क्या था साध्य साधन विषय लक्षणया मृत्यु, जब तक ये साध्य साधन भाव रहता तब तक हम मृत्यु के अंत का यही मृत्यु है। तो यहाँ पे ये जो इसका आपने क्या संभूति असंभूति का फल दिखाया गया है, तो ये फल किसका दिखना है अविद्या का दिखा करते हैं मृत्यु है। इसी जगह बोलते हैं कि आत्मा ऊपर टिप्पणी में समुच्चय से तत्फलादिश्य समुच्चय और उसके लिए बल कथन किया गया है अविद्या तत्व तो अविद्या से संबंध रखने वाला होने के कारण ये हमारे सिद्धांत में ध्यान नहीं पहुँचाई थी। भाव निंदाधीनम नौ नंबर टिप्पणी मतलब कि अवस्तुतम निंदाधीनम, अवस्तुतम निंदा कैसे किया उनको, निंदा है निंदा किया गया, निंदाधीनम अवस्तुतम है ना, निंदाधीनम तो आप इसलिए बोलते हैं कि निंदाधीनम निंदा ही स्व विषय अवस्तुतम बोध है। पहले भी बोल क्या था आपको, जहाँ जहाँ श्रुति ने किसी के लिए निंदा किया गया है वो निषिद्ध है ना, वो नहीं करना चाहिए, और जो जो जिसके लिए स्तुति की गई वो विधेय है, वो विधेय है, पहले भी बोल करके आए, इसलिए बोलते हैं निंदा ही स्व विषय अवस्तुतम बोध है। निंदा क्या करता है, जिसके विषय को लेकर के निंदा किया उस वस्तुत्व में अवस्तुत्व को बोध कराता है। समुच्चयश्च न वस्तुत्वम् इति न तयोर् विरोधः, समुच्चय भी कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, दो वस्तु होता तब तो दोनों को मिलाते, हमारे पास तो दो वस्तु है नहीं, सिद्धांत में से एक ही है ना, इसीलिए आरोप मनुष्य का विषय भी नहीं है, क्रिया की विषय भी नहीं है, मनुष्य के विषय नहीं है, तो काम संतुष्ट कर समझ कैसे करोगे। इसलिए बोलते हैं समुच्चय पर समुच्चयश्च न वस्तुत्वम्, समुच्चय में कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, इसलिए न तयोर् विरोध, इसलिए समुच्चय सिद्धांत के साथ अद्वैत सिद्धांत में कोई विरोध नहीं है। क्यों विरोध नहीं है, एक पारमार्थिक स्थिति को लेकर के बोलते हैं और एक व्यवहारिक स्थिति को लेकर के बोलते हैं, पारमार्थिक और व्यवहारिक में कोई विरोध नहीं होता। अब हम देखिए वो स्थिति खंडनीय है कि हम नहीं बोल रहे हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये भाष्यकार को देखिए मात्र को कारिकाकार को देखिए, वो स्थिति जो है गलत बोल रहे ये नहीं बोल रहे हैं, वो स्थिति अविद्या के अधीन रहने वाले व्यक्ति को लेकर के बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं तुम इससे बाहर आओ, तुम अभी तक अंतर का ये सुनी नहीं चाहती, आपको बाहर लाने के लिए यहाँ पे क्या क्या कमियाँ हैं वो दिखाते हैं। ये देखिए ये दिखाना चाहते हैं, जिससे कोई भी वो वस्तु किसी को ग्रहण करते हैं किस भावना से ग्रहण करते हैं, ये अच्छा है हमारे अनुभव में। अब सुनकर हमको दिखाते हैं, एक छोटा बच्चा जब चलने सीखते हैं तो उसको कुछ सहारा लेकर के चला जाता है, फिर वही माँ बाप उसका सहारा को हटा देता है ताकि वो अपने आप चलना सीखे, है कि नहीं। छोटा बच्चों को चलने की दुआ कर आदि साइकिल आदि भी देते हैं, उसको पैदल चलना सीख जाता है, कमान करते फिर क्या करते हैं आप हटा देते हैं। ठीक ऐसे ही हम ही आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश कर चल पा, इसमें सूखी हमको इस प्रकार उपासना की तरफ हमें विधान करते हैं, फिर अपने आप बोलते हैं इससे अच्छा होगी, इसकी सूखी का भी उपाय है, इसमें बोलते हैं अद्वैत सिद्धांत की कोई हानि नहीं हुई, इससे समुच्चय अष्ट नाम वस्तु ना कई और विरोध नहीं है। प्रत्यक्ष आदि संवाद विसंवाद अभाव, आप जानते हैं तीन प्रकार की अर्थवाद है, एक है गुणवाद, यदि आपको किसी प्रमाण के साथ विरोध होता है तो हम उसको गुणवाद बोलते हैं, यदि दूसरे किसी प्रमाण के द्वारा जाना जाता है तो उसको अनुवाद बोलते हैं, और किसी प्रमाण के साथ विरोध भी नहीं होता किसी प्रमाण के साथ जाना भी नहीं जाता इसको बोलते हैं भूतार्थवाद। जिस प्रकार जिस आदित्य युग जो हमने कहा तो आदित्य तो एक ऊपर है शक्तिन है अंगोला खंबा आदित्य है, ये तो विरोध दिखाई पड़ता है प्रत्यक्ष विरोध दिखाई पड़ते हैं, तब यहाँ के गुणवाद है मतलब युग के आदित्य के समान चमकीला बना किसी के हाथ में लकड़ी की नाप से इस किसी से गुणवाद बोलते हैं। और क्या जो दूसरे प्रमाण के द्वारा जाना जाता है अग्नि हिमस्य भेषजम, अग्नि ठंडे का दवाई काम है, ये दूसरे प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमाण से हम जानते हैं
तो क्या हो जाता है, वो कहता है अनुवाद है, वो अनुवाद है। और जो किसी प्रमाण के द्वारा विरोध भी नहीं होता और किसी प्रमाण के द्वारा जाना भी नहीं जाता उसको बोलते हैं भूतात्मवाद। पथग्रहस्त पुरंदर, ये किसी, ये आपको किसी प्रमाण के द्वारा नहीं दिखाई दिया पर कोई प्रमाण विरोधी प्रमाण भी नहीं, उसको बोलते हैं भूतात्मवाद। किसी ने आपको बोलते हैं जाति का आदमी प्रत्यक्षादि संवाद विसंवाद अभावाच्य, किसी भी प्रमाण के साथ इसका संवाद मतलब प्रमाणित करना और किसी प्रमाण के साथ विरोध है विसंवाद मतलब विरोध होना चाहिए। अयम भूतात्मवाद दोनों किसका अभाव नहीं करना, प्रत्यक्षादि संवाद विसंवाद अभावाच्य, किसी प्रमाण के साथ इसका विरोध भी नहीं है किसी प्रमाण के साथ इसका विशेष दूसरा किसी प्रमाण के साथ जाना भी नहीं जाता। इस प्रकार की जो कथन होते हैं उसको क्या बोला जाता है, भूतार्थवाद बोला जाता है, भूतार्थवाद बोला जाता है। अविद्या मृत्यु
अतः शास्त्रीय आचरण के द्वारा हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति को पर विजय प्राप्त करके उसको उद्धरण करके विद्वया अमृतम अस्मते उपासना के द्वारा शास्त्र विहित कर्मों के द्वारा स्वाभाविक प्रवृत्ति को पर विजय प्राप्त करके उपासना के द्वारा आपेक्षिक अमृतत्व को प्राप्त करके इस प्रकार वाक्य का ठीक इसी प्रकार है ना बिना सेना वृत्ति धर्मीय प्रवृत्ति भावी प्रतिबंधक बनता है मुक्ति के लिए मुक्ति के लिए धर्म भ्रष्ट आपके लिए प्रतिबंधक है मुक्ति के लिए प्रतिबंधक इसलिए विनाशेन मृत्यु शास्त्रीय कर्मों के द्वारा अब क्या है शास्त्र साधन भाव रूपी प्रवृत्ति है उससे ऊपर उठकर उठो उस ऊपर उठने के लिए ये बोला जाए इस चीज को क्या है ये थोड़ा बुद्धि में बैठा क्या हो रहा है जीवन साधन की क्रम क्या है साधन की क्या प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रकृति का प्रकृति में जाते हो नाने निखर दिन करे भगवान जी ने बोला क्या बोला प्रत्येक जीव अपने पूर्व जन्म के कर्म में कौन सा जो संस्कार लेकर उसी कौन सा चलता है परंतु भगवान ने छूट दिया कुशुका के द्वारा कुछ संस्कार को बदल सकते हैं इंद्रिय शिव्रिय शाखिर आदर्श शुद्ध व्यवस्थित हो जयराम सुनना अच्छे है ना कि भगवान बोल इस प्रकार यहाँ पे है स्वाभाविक प्रवृत्ति को पर विजय प्राप्त करने के शास्त्रीय कर्म को करो और ये तो शास्त्रीय शब्द शब्द मतलब ये करने से ये शिखा सूत्र रहेगा ये विहिरावाली रहेगा ब्रह्मारा रहेगा जब करोगा दो इसको भी छोड़ ये श्रुति का अभिप्राय है इसी यहाँ पे बोलते हैं देवता दर्शन कर्म समुचय सदुच संस्कार प्रति पुरुष का संस्कार है कर्म फल राज प्रवृत्ति रूप से कर्म और कर्म के बल के प्रति हमारा सर्वजन भोग कर्म दुर्जन भोग प्रति भाव इसके प्रति लाभ उत्पन्न होते हैं वो शास्त्र साधन के शरण जल मृत्यु हो जिनके वहाँ किसी भी लोग में जाओ आप ब्रह्म भोगनाथों का पुनरावृत्ति जन्म जन्म में मृत्यु बंधन सुखते जाएंगे आप यही मृत्यु है इसीलिए बोलते हैं इसको इसके श्रुति हम इससे बाहर निकालना चाहते इसके अधिकरण तत्व उसको निकाल के बाहर जाने के लिए श्रुति ऐसा कहती है इतना गहरा विचार करके साधन को सामने रखते हैं होता है हमारा अंदर उसके आपका जब मतलब आपसे आप अंदर से प्रेरणा आएगा ये हम भी हमें विचार करते हैं बाद सारा साधन साधन छोड़ करके जितना ना क्या बोला सारी रव केवल कर्म को बना छात्र समय सब छोड़ करके जितना करना सभी छात्र नहीं तो जितना करना चाहिए उतना करते ये मुख्य सिद्धांत है वेदांत मुख्य सिद्धांत यही है तब देखिए वहाँ भी इसको समझा रहे थे क्या था अग्निहोत्रादेव शास्त्रीय कर्मण अशास्त्रीय प्रवृत्ति रूप मृत्यु करता देखिए समझना है जो हमने बोला अभी आपको सारी प्रवृत्ति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए शास्त्रीय वर्णन क्या शास्त्रीय कर्म करना पड़े लिख रहे अग्निहोत्रादेव शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय कर्म का अशास्त्रीय प्रवृत्ति रूप मृत्यु उत्तरणार्थक अशास्त्रीय प्रवृत्ति सारी प्रवृत्ति को मृत्यु है उसके ऊपर उठाने के लिए शास्त्रीय प्रवृत्ति को शास्त्र विधान कर सकते तथा ठीक उसी प्रकार साधना अभी ये सुना इसी प्रकार अभी आपके मन में क्या बैठ गया मैं तो धार्मिक हूँ लोग अच्छा भी बोलते हैं अब धर्म आचरण करके तो जब भोग कर सकते बहुत आशक्त हो जाएगा उससे भी बाहर आना है वो भी हमारे मुक्ति की सकते हैं इसीलिए बोलते हैं कि तथा साधना भी ये सुना रूप समुच्चय सभी वाक्य उसकी आपको इस पहले समुच्चय करता है कि स्वाभाविक प्रवृत्ति को करके दूसरे को शास्त्रीय प्रवृत्ति को बदल निकालने के लिए कुछ समुच्चय बनाना पड़ेगा इसलिए श्रुति वहाँ पे समुच्चय संपत्ति का विधान बनाने का समुच्चय ये तात्पर्य तो निर्णय करना सामान्य व्यक्ति का बुद्धि का विषय नहीं है कितना गहरे से चिंतन करने के बाद यह तो देखा जाता है लोग हम लोगों को दे करके गया इसमें तथा च संभूत आदि अवस्थित अवृत्तिय संभूति और उसको उपासना जो करो इसको भी पारमार्थी बताने ये जो हमने कहा ये भी हमारे सिद्धांत होता है तुम्हारे सिद्धांतों के साथ क्यों हमारा विरोध नहीं है हम आपके सिद्धांत को विरोध नहीं किया पर आपके सिद्धांत के लिमिटेशन को देखा है हमने इसके सिद्धांत आपको कहाँ तक पहुँचा कि इतना हमको दिखाया अब यदि आप यहाँ तक रह करके खुश है कोई बात नहीं इससे बाहर आना चाहते हैं कोई व्यक्ति हो गए इसी यहाँ पे बोलते हैं कि तथा का संभूत आदि संभूत आदि अवस्थित समय विरुद्ध दस नंबर देखने नहीं समुच्चय उपास से
वास्तवत्व अपेक्षा देखी थी मारो कि समुच्चय उपासना का उपास्य समुद्र उपास्य देव नामे और अनुसार समग्र उपास्य देव का जो है जो वास्तवत्व अपेक्षा तो उसके लिए वो पारमार्थिक हो ये जरूरी नहीं है। हम अध्यास उपासना करते हैं नहीं करते हैं जान बूझ कर के अध्यास उपासना संपद उपासना करते हैं नहीं करते हैं ये शिवराम शिव शिव्य का लिखा शिव्य का विधान इसका मतलब ये जिनको शिव्य के पारमार्थिक होने की आवश्यकता नहीं हमें मानता है और उसका फल नहीं आवश्यक नहीं करते हैं परंतु के लिए आप व्यापकता नहीं पहुँचना चाहते हैं क्योंकि अगर इसके लिए आपको बनाना क्यों हम यहाँ पे क्या करते हैं कि भगवान जी को उपासना करने से भगवान संतुष्ट होता है हमारे अविष्ट अवस्था को मिल जाता है इस भावना से करते हैं अधिकतर परंतु आप जब मुक्ति अविष्ट होगा एक मंत्र लक्ष्य मुक्त भगवान अपने आप ही बताएंगे कि आप अपने कोई भावना को छोड़ करके कष्ट क्या बात नहीं बैठो आगे देखिए बोलने हैं मुद्दे में कि मृत्यु उत्तरवृत्त मृत्यु कर्मार्थत्व संस्कारार्थत्व के लिए आशंका आह ठीक है वो मृत्यु को पार करता है तो संस्कार के लिए कैसे काम करेगा मृत्यु मतलब क्या है ये छात्र छात्र भाव का जो संस्कार हमारे अंदर बैठा हुआ है यही मृत्यु है ये छात्र छात्र भाव का संस्कार इसको करके ये प्राप्त होगा इसको करके इसलिए प्राप्त होगा पहले क्या था लौकिक वस्तु के लिए था अब बात निकलोगे तो शास्त्रीय वस्तु के लिए होता है इसको निकालना किसी ना बोलते हैं कि मृत्यु कर्मार्थक संस्कार कदम ठीक है वो मृत्यु को पार कराने के लिए होते होते भी वो संस्कार अर्थ कैसे हो सकते हैं कब मृत्यु आशंका ऐसा कोई शंका करते तो उसको क्या होता है एवं ही ईशनादय रूपात मृत्यु और असिद्ध युक्त पुरुष संस्कृत से इस प्रकार से ईशनादय रूपी जो मृत्यु है उस मृत्यु अशुद्धि है उस अशुद्ध से अलग होता है वियुक्त पुरुष अलग होकर के पुरुष संस्कृत से मन संस्कारित हो जाते हैं सांसारिक सारा वस्तु परीक्षा लोकान कर्म निदान ये भी कोई अपने मन से थोड़ी बोला सुख की बात है परीक्षा लोकान कर्म निदान ब्राह्मण निर्वेद माया नास्ति अकृत संस्कार आ जाएगा अरे इससे भी पीछे एक और वस्तु है इसके पीछे एक और वस्तु है वो वस्तु उसको जानने के लिए अतः मृत्यु अति कर्णार्था देवता दर्शन करो समुच्चय दर्शन ही अविद्या परंतु ये अविद्या की अंतरता ही ये अविद्या की अंतरता ही है मैंने क्या बोलते हैं आप दोनों का चिंतन समुच्चय से मुख्य अविद्या के अहेतुत्व समुच्चय है कर्म अथवा उपासना मुख्य अभिदत्त में हेतु नहीं हो सकता है सहायक हो सकता है परंतु मुख्य अभिदत्त के हेतु नहीं हो सकता क्यों यदि हम पूछे कर्म अथवा उपासना मुख्य अभिदत्त के हेतु नहीं हो सकता क्यों वो साध्य वस्तु हो जाएगा हाँ तो उत्पत्तिशील वस्तु होगा साध्य वस्तु होगा जब कृतम तक अनितम तक मुख्य भी अनित हो जाएगा अनित वस्तु को कभी एक दूसरे एक अनित वस्तु को छोड़ जाकर दूसरा अनित वस्तु को लेकर काम नहीं करना था और इतना कठिन क्यों उठाएंगे इतना क्यों उठाएंगे इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि समुद्र से मुख मामले तत्व और अपनी तत्व मामले तत्व के लिए अतः मृत्यु अधिकरण था देवता दर्शन कारण समुद्र दर्शन अभिप्राई व्यक्ति के कार्य करने के लिए कि देवताओं और पक्ष उपासना अंतर अभी समझे अभिप्राय अंतर पाती है इसको ठीक से पढ़ लेंगे ना तो कोई भी बारी कोई भी जरूरत के आपको मरने का भी कुछ खाने जा रहे क्या कर रहे इतना पढ़े पढ़ रहे करके क्या हो रहा है इसलिए ये अच्छा इसे वो अच्छा है अपना अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा चाहे आप उसके साथ करते विचार बना सकते हम जिस मार्ग में चल रहे हैं इस मार्ग में कोई कमी नहीं है क्योंकि हम पहुँच नहीं पाए तो हमारी गति की कमी है हमारे साधन में कुछ कमी रहेगा मार्ग में कोई कमी नहीं मतलब इस दर्शन में और फिर जब उसको वर्णन करते रहेंगे तो निश्चय रहेगा मान लीजिए जिस किसी से
आज कौन सा कार्य किसका है फायदा अजमतियोनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगान् अगति चगतिमत्तां प्रापदेकं हिमेवं विविधविषयधर्मग्राहिमुखे च